नमस्कार। अस्सलाम लिंगम एंड वेलकम बैक बन्स अगेन एक दफा फिर आपको खुशामदद कहेंगे पीएसएल एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरा नाम मोहम्मद यासर है के 21 न्यूज़ पर एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है خدمت है आज जी पीएसएल एडिशन 7 का फाइनल खेला जा रहा है और फाइनल खेलने वाली टीम लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान आमने सामने हैं और गैरमतव तौर पर आज मुल्तान सुल्तान की जो कारदगी है वो इंतहाई मायूस कन नज़र आई है और ये बड़ी ग़ैर यकीनी सी बात है कि ये वो टीम इस वक्त फाइनल में इस बुरी तरह से रनस का चेस कर रही है हदफ का ताकुब कर रही है जो इस टर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम समझी जा रही थी बहरहाल जी इसके ऊपर बात करनी है लाहौर की टीम आज अच्छा कम उन्होंने किया एक दफ़ा फिर आज उनका टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो रिलाय करते रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो फ़खर समान थे जिनकी परफॉमेंस की वजह से उनके लिए मैच जीतना माजी में आसान रहा आज एक दफ़ा फिर वो नाकाम हुए इस क्रूशल स्टेज के ऊपर और ख़ास तौर पर फ़ाइनल वाले दिन बड़ी भारी ज़िम्मेदारी उन पर हायद होती थी फ़खर जमान असद शफीक जिशान अशरफ कामरान गुलाम ख़तरखा कोई रनस में इजाफा नहीं कर सके लेकिन डाउन ऑर्डर में मोहम्मद हफीज़ ने शानदार इनिंग खेली है और इस आखिरी मैच में पी एस एल एडिशन सेवन के उन्होंने उनहत्तर रन बनाए छियालीस गेंदों का सामना किया और नौ चौके लगाए एक छक्का लगाया डेढ़ सौ के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा संभाला मिला स्कोर को उसके बाद नीचे हरी बुका आए इकतालीस रन उन्होंने किए बाईस गेंदों पर धुआंधार इनिंग और दो चौके तीन छक्के लगाए एक के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद नीचे जनाब डेविड वीजे आए बैटिंग करने के लिए उन्होंने बड़ी

सामना किया एक चौका लगाया एक सौ छब्बीस रिजवान जिन पे सबकी नजरें थी उनके सबसे पूरा खिलाड़ी और उनके कप्तान भी विकेट कीपर बैट्समैन चौदह रन बनाए बारह गेंदों का सामना किया तीन चौके उन्होंने एक सौ सोलह के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे वो और उनको हफीज ने बोल्ड कर दिया और इसके बाद आ, अजमत और नीचे रोजो आसिफ आफरीदी ये सारे बैट्समैन आते गए और एक के बाद एक जो है वो क्रीज छोड़कर जाते रहे तो ये विकटे गिरने का सिलसिला जारी रहा और इस तरह जो है अट्ठावन रनस पे चार विकटे जो है वो मुल्तान सुल्तान की इस वक्त गिर चुकी हैं दस ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है इस मैच के हवाले से फाइनल पे आज गुतु करेंगे एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका पैगाम आप तक पहुँचा दूँ जनाब लकाशा वन मॉल अपना पैगाम देते हैं कि ये कराची का कैसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पर बिल्कुल तमीर हो चुका है मने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि प्रोजेक्ट खुद आपको एक बिजनेस प्लान दे रहा है जिसकी वजह से जो रेंट है वो गारंटीड हो जाता है हैसैैन मार्केटिंग इसको प्रमोट कर रहे हैंसैन मार्केटिंग रियल इस्टेट के शोबे में एक बहुत बड़ा नाम है तो ये हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज है तो जनाब अब बात होगी थोड़ा सा फाइनल के हवाले से हमारा एक्सपर्ट पैनल एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद है उनको मैं वेलकम करूँगा मुनीर उलहक साहब सबसे पहले हमारे मेहमान उनको खुश आमद बहुत शुक्रिया आपके माजश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जमील अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरी फरमाए दूसरा हमारे बड़े खास मेहमान इस पूरे जो सीरीज़ रही हमारी पी एस एल एडिशन सेवन की उसमें हमारे साथ यहाँ पर रहे दोनों मज़दूर मेहमानों को बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए मुनर भाई से गुतगु का आगाज करूँगा फरमाइएगा कि ये फाइनल गैर मुतवे तौर पर जो मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम रही है किसी मौके पर भी

डोआर डाई गई एम एस पहले मुल्तान एक ही मैच हारी है टूर्नामेंट वो भी लाहौर से हारी है आज इब्तदा अच्छी नहीं थी और उसके बाद आप देखें कि जब 10 ओवर हुए तो नवे ओवर में जाके 50 रन इनके मुकम्मल हुए 15 ओवर में इनके 100 रन मुकम्मल हुए उस वक्त तक तो डेढ़ सौ भी एक बड़ी बात लग रही थी लेकिन फिर क्या ऑन स्लॉट हमने देखा है हरी ब्रुक का और आखिर में डेविड वीजा का आखिरी दो ओवर में बीस रन आखिरी पांच ओवर में सतहत्तर रन मेरे ख्याल वही जो आखिरी पांच ओवर आखिरी दो ओवर थे ना उसने बड़ा जिला बख्शी है लाहौर को इसमें और हमने देखा कि आज डेविड वीजे ने फिर आठ गेंदों पर अट्ठाइस रन बनाए पिछले मैच में भी उन्होंने यही किया था साढ़े तीन सौ का स्ट्राइक रेट होता गया लगातार दो मैचेस में खेलना आसान नहीं होता हैरी ब्रुक भी ऑलमोस्ट दो सौ का स्ट्राइक रेट से खेले आई थिंक इक्कीस गेंदों पर बयालीस कुछ चवालीस रन बनाए उन्होंने तो शुरू की अगर पंद्रह ओवर्स की बात करें तो मुल्तान नहीं था मैच में लेकिन आखिरी लाहौर नहीं था मैच नहीं। में लेकिन आखिरी पांच ओवर्स में वो न सिर्फ अपना स्कोर को ले गए बल्कि एक मैच विनिंग स्कोर कर दिया कॉम्पिटिटिव से भी बढ़ गए एक सौ सत्तर एक सौ पैंसठ सत्तर अच्छा स्कोर होता ये एक सौ अस्सी ले गए इसका मतलब है कि मैच विनिंग टोटल की तरफ ले गए अब वो बैटिंग तो उनकी हो गई जो बात हुई वो खत्म हो गई और सबसे जो बढ़कर बात हुई कि जिन खिलाड़ी को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सबसे सीनियर प्लेयर मोहम्मद हफीज़ बड़ा नाम और बड़े मैच में उन्होंने आज बड़ा काम कर दिया है पैंतालीस गेंदों पर उनहत्तर रन की इनिंग्स भी खेली टीम को भी खिलाए और दो विकटे भी अब तक वो ले चुके हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कारदगी रही तो जो पिछला जो भी गम था उन्होंने उसको भुला दिया है ठीक है अब आ जाते हैं मुल्तान की बात देखिए मुल्तान की टीम के बारे में मशहूर है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है और हमने देखा भी है खासतौर से कप्तान मोहम्मद रिजवान को आज मैच शुरू थोड़ी देर पहले आप देखे रिजवान और शान मसूद गुफ्तू कर रहे थे कुछ हमत अमली बना रहे थे लेकिन वो नहीं चल सकी सुसाइडल दोनों ने अपनी विकटें गंवाई है मैंने देखा जिस तरह आउट हुए हैं मोहम्मद रिजवान वो गेंद को स्वीप करने गए थे और वो गेंद पर उनकी तीनों विकटें नजर आ रही थी तो हफीज ने बड़ा इंटेलिजेंटली लेग पे गेंद की और उनकी विकटे उड़ा दी बहुत ही गलत शॉट खेला जो उस मौके पर कभी ऐसा खेलते नहीं है रिजवान तो को आउट करना बहुत मुश्किल होता है और फिर शाह मसूद जैसा प्लेयर उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ जीखा अशरफ जी। ने शुरू में कर दिया फिर उनका एक एक और कैच हल्का से निकला था और फिर वो बगैर देखे वो भाग गया और वो रनआउट हो गए तो ये दो बैट्समैन जो तो इतना डिपेंड कर रहे थे इनको ओपनिंग स्टैंड वो नहीं।, नहीं।, नहीं चला फिर जो सबसे बड़ी विकेट उनको बाद में एक और मिल गई फिर आमिर अजमत भी आउट हो गए तो अब इस वक्त जो है ना सारी जो उनकी नजर आ रही है वो एक ही यही विकेट है जो इस वक्त खेल रही है रायरी रोसो आउट आउट हो हो चुके हैं भी, भी, भी गए है। तो हालात अच्छे नहीं लगे पाइन के लिए मे बी के लाहौर एक नए चैंपियन के तौर पर सामने आती है लेकिन पंद्रह ओवर तक लाहौर नहीं थी शुरू के पंद्रह ओवर तक आखिरी पांच ओवर में लाहौर आई है और फिर यहाँ के इब्तदाई दस ओवर में भी लाहौर हमें छाईवी नज़र छाईवी नजर आई जी जंग भाई क्या कहना चाहेंगे मैच की सूरत हाल आपके सामने और एक के बाद एक विकेट जो है वो गिरती जा रही है आखिरी उम्मीद तो अभी नहीं कह सकते लेकिन रायली रोजोफ की अगर बात करें बड़ी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट और ऐसे बहुत सारे मौाक़े आए जब उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने नहीं खेली लेकिन ये फाइनल के अंदर बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया इसकी क्या वजह समझ में आ रही है एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है कोई भी बैट्समैन जो है वो चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं है इतना रिस्पॉन्सबल शॉट और रन आउट जैसे हुआ ये भी बड़ा रिस्पॉन्सबल रन उन्होंने मुजाहरा किया

कि टीम डेविड जो है ना और खुशदिल शाह दोनों बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं जी। और ये कितनी देर खेलते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं क्योंकि अगर इस मैच को आप देखते हैं ओवरऑल तो आगाज जो है ना लाहौर का भी कोई इतना अच्छा नहीं था इकतालीस रन में जो पावर प्ले में उन्होंने की थे तीन खिलाड़ी उनके भी आउट हुए थे, आउट थे। और बहुत ही मतलब अच्छे जो प्लेयर थे वो आउट हो गए थे उसमें से सबसे अहम प्लेयर तो थे फखर जमान फिर मैं समझता हूँ कि बहुत खराब जो है ना जो शॉट जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक खेलने गए उस प्रेशर के अंदर जो कि उस वक्त नहीं खेलना चाहिए था अशरफ जी, जी। जी। को जीते हारे खिलाने का फैसला मेरी राय तो यह है कि इतने, इतने बड़े मैच के अंदर के के मतलब इतने बड़े मैच अंदर जो ना चेंज करना वो भी ऐसे प्लेयर को फिल सॉल्ट को आप फिल सॉल्ट को नीचे कर दें छठे पे ले ले सातवें पे जो भी लेकिन लेकिन जो कीपिंग उन्होंने की थी ना वो बहुत जबरदस्त की थी पिछले मैच के अंदर इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें इनको एक मैच खिलाया गया था कराची के खिलाफ अशरफ को जिसमें अच्छा हमारे यहाँ होता पता क्या है हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम जीत जाते हैं ना सारी खामियां जो है ना वो हो जाती है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिलसॉल्ट को बिठाने का फैसला लाहौर कलंदर का ना बहुत उनकी मैनेजमेंट का फैसला था लेकिन उसका खेलना इस मैच के अंदर जरूर जो है ना बनता था अगर कोई चेंज होना था ना तो समित पटेल की जगह फवाद अहमद हम डिस्कस कर रहे थे वो तो बॉलिंग को मजबूत करने के लिए हो सकता था और लेकिन बार उनका फैसला तो उन्होंने अगर खिलाया लेकिन इन सब चीजों को के ऊपर जो है ना मतलब अगर आप देखते हैं अपनी बॉल तो हम यही बात कर रहे थे कि हफीज जब भी खेलते मैंने पहले भी आपसे कहासो सत्तर एक सौ अस्सी के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो लेकिन बहरहाल आज उन्होंने एक सौ पचास के स्ट्राइक रेट से खेला है और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना उस वक्त खेला है जब एक दबाव था ना प्रेशर था तो ऐसे ही जो ना कल मुनीर भाई एक बात कह रहे थे कि जो ए, इनको हफीज को जो ना इस तरह खेलना चाहिए जैसे शुएब मलिक खेल रहे ठीक है तो अच्छा जन भाई ब्रेक के लिए कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आते हैं गुफगु को अपनी जारी रखेंगे और सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम वेलकम बैक जी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले जी सिलसिला जारी था बात हो रही थी आज खेले गए फाइनल के हवाले से फाइनल इस वक्त जारी है 122 पे आठ विकटे जो हैं वो गिर चुकी हैं मुल्तान सुल्तान की और तकरीबन मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है कुछ देर पहले इसी हवाले से बात कर रहे थे कि एक अच्छा टोटल लाहौर ने सेट किया एक रन का और टूर्नामेंट की जो सबसे बेहतरीन साइड थी मुल्तान सुल्तान बड़ी बुरी तरह से वो जो है इस मैच में नाकाम हुई है बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है कोई भी ऐसी बैटिंग ये इस पूरी बैटिंग लाइनअप में किसी ने भी कोई ऐसी बैटिंग नहीं की किसी बैट्समैन ने जिसको देख कर कहा जा सके कि जी फाइनल जो है वो खेल रहे थे और ये जिस तरह की गलतियां की हैं इसके ऊपर हम गुफगु करते हैं जी मैच आपके सामने आपने देख लिया एक के बाद एक विकेट गिरती गई और आखिरी उम्मीद जो थी उनकी वह खुशदिल शाह से थी जो उन्होंने एक और गैर जरूरी शॉट इस पर खेला गैर ज़रूरी तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रन बहुत ज्यादा चाहिए अब जब आपका आस्किंग रेट इतना ज्यादा बढ़ जाए सत्रह अट्ठारह के करीब पहुँच जाए फिर आपको चांस लेना है तो वो चांस उन्होंने लिया और उसके नतीजे में उन्होंने अपनी विकेट गवाई है जी ये इम्प्रोवाइज करना चाह रहे थे लेकिन वो गेंद उनके विकेट पे लग गई प्रेशर था आ, सबसे पहले तो यार अब हमें लाहौर को मुबारकबाद दे देनी चाहिए कि लाहौर में पहली मरतबा पी एस एल चैम्पियन बनने जा रही है ऑलमोस्ट यकीन कि अब कोई ऐसा चांस नहीं है तो लाहौर तो जीत गया है सुल्तान बहुत अच्छा खेल है उनको भी इक्वली कॉन्ग्रेचुलेशन लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ हुई कि अब एक पी एस एल की नई चैंपियन आ गई है और एक ऐसी टीम चैंपियन बनी है जो पहली मरतबा है। बनी है। तो मतलब जितनी पी एस एल फ्रेंचाइजेज है जी। और इस्लामा का यह रिकॉर्ड बरकरार रहेगा में अगर लाहौर की बैटिंग की बात करें आखिरी पांच ओवर के सतहत्तर रन आखिरी दो ओवर के चालीस रन और फिर जिस तरह इन्होंने अपनी विकेटें दी है खासतौर से कप्तान रिजवान के विकेट या रन आउट होना शान तो मसूद का बिल्कुल शान मसूद का और उसके बाद हमने देखा कि ये नहीं तो टोटल क्लैप्स एक नजर आया टोटल फेलियर बैटिंग तो वो बस ये कहा जाए कि पहले पंद्रह तक इस मैच के शुरू के पंद्रह वर्ष तक तो बल्तान हर लिहाज अच्छा था लेकिन उसके बाद से लाहौर जो छाई है बैटिंग में भी और फिर बॉलिंग में भी तो वो इनसे जो डिफेंड करने का इनका एक वो था कि हम पहली टीम बनेंगे जो लगातार दो मरतबा चैंपियन बनेगी तो वो ख़्वाब इनका शर्मिंदा ताबे नहीं हो है तो वेल प्लेड लाहौर वेल प्लेड हफीज बहुत हमने उन पर गुस्सा का किया था लेकिन आज बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आए uh, और दी, दीगर बोलर ने भी बहुत अच्छी बोलिंग की है uh, और शाह शाहरीदी के जिनको लाहौर वालों ने कप्तान बनाया एक नया उन्होंने देखा था कि यंग खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए तो जिस तरह के उन्होंने कप्तानी की है बिल्कुल डिफरेंट एक नजर आए हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है इट्स गुड फॉर पी इट्स गुड फॉर लाहौर और कॉन्ग्रेचुले तो लाहौर को मुबारकबाद जो है वो दे दी जाए आपका ख़्याल ये था कि जी आखिरी वक्त तक जो है मैच देखना पड़ेगा लेकिन मुल्तान सुल्तान के पास से कोई भी आज बैटिंग में या कोई आज वो बॉडी लैंग्वेज थी ही नहीं पंद्रह ओवर में तो यकीन है जैसा भी बात हो रही थी आगाज़ में अच्छा आगाज़ उन्होंने लिया और लग ही रहा था कि आज भी वैसे ही मैच जीत जाएंगे जैसे पिछले मैचेस जीतते हुए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की आज बैटिंग की खास तौर पर पोर स्टार्ट हुआ गैर जिम्मेदारी का मुहरा किया इसके बारे में और मजीद क्या कहा जा सकता है क्योंकि ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है मुल्तान के जितने भी फैंस हैं बड़े हैरान हैं इस परफॉर्मेंस से और ख़ासतौर पर जो आज इंक्लूडिंग रिजवान बहुत आउट फॉर्म में थे और उनसे ये उम्मीद थी कि वो एक बड़े सेंसिबल प्लेयर जो है वो इमर्ज हुए और जैसे बैक, बैक बारहवाच तो को उठाते है ना, तो मैच खेल हैं ठीक है ना और दो मरतबा इनकी बैटिंग लड़खड़ाई है जी। एक और दोनों मरतबा लाहौर के लाहौर के इससे पहले भी लाहौर से हारे थे ये एक मैच ग्रुप लीग का मैच और आज भी जो है ना इनका मुकाबला लाहौर से था और ये हारे वरना आप देखें पूरे टूर्नामेंट के अंदर इनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जबरदस्त रहा है इनका चाहे आप बैटिंग देख लें चाहे तो कभी भी इनके आज जो ये जो आप आपको नजर आ रहे हैं लोअर ऑर्डर के अंदर तो ये टैलेंडर पे कभी मैच गए ही नहीं गया ही नहीं था। पहली मरतबा हुआ ऐसा कि गया या इससे पहले जो एक लाहौर का तो बाकी पूरे जो अगर आप देखते हैं दस दस मैच अगर आप देखते हैं तो बहुत शानदार जो ना वो खेली उसके बरक्स अगर आप लाहौर को देखते हैं ना तो लाहौर ने फिर भी ग्रुप लीग के अंदर जो है ना अपने चार मैचेस हारे फिर जो क्वालिफायर का मैच हुआ वो हारे ठीक है ना लेकिन आज का जो एक जाहिर है ना जाहिर है आसाफ शिकन जब मुकाबले होते हैं ना तो उसके अंदर जो बड़े प्लेयर थे मतलब डेविड विजे ने बता दिया कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं और आठ गेंदों पर अट्ठाईस रन की जो उनकी इनिंग है देखिए इनिंग उनकी छोटी इससे पहले उन्होंने इनिंग खेली थी वो भी मैच इन्होंने जिस नंबर पे आए थे 27 था ये जो था एक एक जो जो क्लास है ना उनकी वो जो है ना और फिर एक 100 किए थे है, हैरी ब्रॉक ने उसके बाद हम कह रहे थे यार इतना वो नहीं लेकिन आज जो मतलब उन्होंने जिस अंदाज में आए और उन्होंने आके दबाव के अंदर जो और दबाव के अंदर 186 रन के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना मतलब बाईस गेंदों के ऊपर इकतालीस रन मैं कहता जबरदस्त ये दोनों की जो बैटिंग है इसने जो टोटल है ना वो हफीज तो अपनी जगह पे खेले हफीज की जितनी भी तारीफ की जाए कि हम जो जो ऑलराउंडर उनको कहते हैं हैं तो वो बैटिंग ऑलराउंडर लेकिन उन्होंने आज दो खिलाड़ी भी आउट किए और जिस अंदाज में वो खेले हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में जो हम बात करते रहे उनके ऊपर कि हफीज जिस तरह खेल रहे हैं रन बॉल ये उनकी क्लास नहीं है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर भी थे तो इस लिहाज से थे कि वो आते थे और फिर 170, 160, 180 रन के स्ट्राइक रेट से खेलते थे लेकिन अब इस पूरे पीएसएल के लेकिन जहां जहां जरूरत थी और जहां उनकी टीम फंसी हुई थी और उनकी सर्किल के अंदर जो है मतलब तीन खिलाड़ी आउट हो गए थे 41 रन पे और फिर 180 का टोटल तो इस तरह के अगर प्लेयर मतलब के टीम के अंदर हो और बर वक्त जो है ना वो कारदगी दिखाएं तो यही कुछ होता है कि 180 रन जो कि नहीं लग रहे थे जी। अगर आप 103 रन देखते हैं 15 ओवर में तो नहीं लग रहे थे कि ये यहां यही तक यही जाएंगे भी हाँ। भी लेकिन जिस अंदाज में 77 तो जो मैं आपसे जो बात कर रहा था मैं यही बात कर रहा था कि अभी जो है ना खिलाड़ी आउट हो गए अच्छा नौ खिलाड़ी तो मतलब मैच ही तकरीबन अब तो जो है ना वो अब वो ये देखना है कि कितने मार्जिन से हारना है बस ये है बाकी तो मैच तो तकरीबन जो ना खत्म देखिये जिस वक्त डेविड वीजे और क्या कहते हैं खुजदुल शाह खेल लेते हैं उस वक्त तक होप थी कुछ उम्मीद थी कि जो है शायद कुछ मतलब लेकिन जाहिर है वो भी एवरेज पंद्रह से ऊपर था तो वो लेकिन ये कि अब जाहिर है कि उसको चेस करने में दो ही चीजें होती है ना विकेट भी गिरती है चांस लिया उसने और वो जो आउट हो गए टीम डेविड फिर जो है ना शाह भी जाहिर है कि अब इतना एवरेज सोलह सत्रह रन का एवरेज उन्होंने भी चांस लिया वो भी आउट हो गए तो अब जाहिर है ये जो जो प्रेशर होता है ना अब हमारे यहाँ ये था कि पहले जो कराची विकटे बन रही थी कि वो वो टॉस जीत रहा था वो सामने वाले को करा था, लेकिन वहां जाके ट्रेंड चेंज हुआ है चेंज हुआ और जिन्होंने बैटिंग किए ज्यादातर मैच ज्यादा आखिर के मैच अगर आप उठाएंगे ना तो वो जिन्होंने पहले बैटिंग किए वो कामयाब हुए और एक सौ साठ सत्तर रन पे कामयाब हुए एक सौ अस्सी रन हो गए थे तो वो खतरे की घंटी तो बच गई थी लेकिन जिस तरह मुल्तान सुल्तान खेलता चला आया था तो हम शायद उम्मीद यही कर रहे थे कि शायद मतलब ये के चेस लें लेकिन ज़ाहिर ऊपर से जो है ना ओपनर इन दोनों में से एक जरूर करता था रिजवान करे या शान मसूद, मसूद करे लेकिन इतफाक है आज दोनों ही नहीं चले फिर जो इमर्जिंग प्लेयर इन्होंने खिलाया है वो भी नहीं चल सके आमिर अजमत हाँ आमिर हुँ। अजमत बाकी जो बैटिंग थी पूरी बैटिंग इनकी समझे लड़खड़ा गई ना तो आज अभी जो है जो ये जो फर्क है ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन से मैं समझता हूँ टी ट्वेंटी रन से हारते हैं तो बहुत बड़ी हार ये तो खैर मैं समझता हूँ अच्छा खासा आप देखते हैं कितने तैंतालीस रन या बयालीस रन के करीब जब रह जाते हैं तो ये इस वक्त सूरत हाल है अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि अब पी एस एल तो चले मुकम्मल हो गया अब आप आगे आपके लिए एक बड़ा जो है वो इम्तहान है और ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज़ है अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो नया टैलेंट आया है पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा ना आप उससे मुतमिन हैं ये चंद खिलाड़ियों के हवाले से भी बात हो रही है ठीक है चार ओवर के क्रिकेट के अंदर ये हो जाता है जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं लेकिन आगे आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी है जब आपको एक्सपोजर लेना पड़ता है बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ वहाँ सूरत हाल यार मुख्तलिफ होती है वहाँ शायद इतना गलती का मार्जिन होता नहीं है और यह भी आपको याद रखना होगा कि आस्ट्रेलियंस जो है अब वो वर्ल्ड चैम्पियन है टी ट्वेंटी के अंदर भी तो सूरत हाल ऑल टुगेदर अब चेंज होगी तो क्या आपके ख्याल में हमारी टीम अब इतनी स्ट्रांग बन सकती है या हमें बनानी होगी ये जो अवेलेबल लॉट है इसमें से आपको नज़र आ रहा है कि बड़े खिलाड़ी आपके पास आ गए हैं जी देखिए या सिर्फ सबसे पहले तो ये जो तो टूर्नामेंट है तो टी ट्वेंटी फार्मेट का है तो यहाँ से अगर कोई खिलाड़ी आपको मिलता है तो बेसिकली वो शॉर्टर फॉर्मेट का होगा टेस्ट हो 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 के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो होता है पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसको बी टीम मिल रही थी नॉर्मली और छोटी टीमों से खेले ये बहुत अरसे के बाद ये होगा कि पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम से खेलेगी जो जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है जब से आ, वो हमेशा उरूज पर रही है ऑस्ट्रेलिया हाँ, की बात कर रहा हूँ अठारह से देख ले, हाँ। सबसे ज़्यादा मतलब वन डे का चैंपियन बनना नंबर वन रहना हमेशा टीमों कामयाबी हासिल करना वतीरा रहा है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल और ऑस्ट्रेलिया की वो टीम पाकिस्तान आई है जो पूरी टीम मुकम्मल टीम उनकी जो टेस्ट क्रिकेट खेलती है सबके सब आए देखिए उनके कप्तान पैट कमिंस हो या स्टार्क हो हो या जोश हो, या आपके डेविड वार्नर हो ले ले शैन हो हो हेड कोई भी हो सारे वो हो सकता है जीत लिया आई थिंक लाहौर से जो है वो लॉर कलंदर ने जो फाइनल है वो अपने नाम कर लिया तो इस तरह लाहौर कलंदर की टीम वो पहली टीम बन गई नए चैंपियन जो नए चैंपियन है इनको ये एहसास बिल्कुल ठीक है तो मुबारकबाद देनी होगी लाहौर की टीम को उन्होंने होम ग्राउंड के अंदर होम क्राउड के सामने बड़ी अच्छी सपोर्ट उनको रही है फुल क्राउड के अंदर उन्होंने जो है वो खेला और बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है फाइनल के अंदर और फाइनल में

पंद्रह ओवर के बाद से कंप्लीटली मैच जो है वो लॉर कलंदर की फेवर में रहा है जी तो एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम वेलकम बैक एक दिन आपको खुशामदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफगुजारी थी और फाइनल का नतीजा आ चुका है लाहौर कलंदर्स ने ये मैच अपने नाम किया है बड़ी कामयाबी उनको मिली है और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है ग्राउंड की जो इस वक्त तस्वीर हैं वो आ रही हैं और यकीन मैच में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो काबिल तहसीन है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले हमारी जो बात हो रही थी वो मैच के हवाले से भी हुई पी एस एल एडिशन सेवन के हवाले से भी हुई है और एडिशन सेवन का नतीजा जो है वो अब आ चुका है तो जनाब ये अब आपकी कुल क्रिकेट रह गई है आपकी सारी तबानाइयाँ जितनी कोशिशें वो पी एस एल सेवन के लिए हैं और ये कामयाब इवेंट है इसमें कोई शक नहीं है कोई दो राय नहीं है मैं आज दो तीन चीज़ों का तस्करा यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ आज बड़ी इतफाक़ी बात है जो पी सी बी के चेयरमैन हैं वो कमेंट्री के अंदर पंडाल में आए और आके वो दो तीन सवालों का उन्होंने पता नहीं उनसे सवाल तो नहीं किया गया था लेकिन उन्होंने खुद ही इस चीज़ का तस्करा कर दिया कि उनसे जब ये पूछा गया कि क्या मुस्तबिल में जो मज़ीद फ्रेंचाइज हैं उसमें इजाफा हो सकेगा तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि दस साल तक तो ऐसी कोई वो चीज़ काबिल ग नहीं है लेकिन इसके बाद जो है हो सकता है कि शायद वो कर दे एक तो ये उन्होंने कहा फिर ने कहा कि इसका जो अगला साल होगा अगला डिशन होगा उसमें ये जी मुल्तान में भी होगा रावल में भी होगा और इस तरह पढ़ा दिया जाएगा तो ये भी उन्होंने पेशावर का भी उन्होंने तस्करा कर दिया फिर एक बात उन्होंने और वो कर दिया अब ज़ाहरा मीडिया के सामने तो वो नहीं आते लेकिन ये कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो जो फ्रेंचाइज़ हैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफे में हैं ये भी उन्होंने इसकी निशानदेही कर दी अब सवाल तो ज़ाहिर पूछा जाएगा कि ये मुनाफे वाली बात अगर आप कर रहे हैं तो वो लाइए सारी बैलेंस शीट लेकर आएँ वो जो अखराज हुए हैं जितने भी आपके जो मामलात हैं वो लाकर मीडिया के सामने रख दें खुद इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि आया वो प्रॉफिट में है या नहीं है क्योंकि खबर ये थी कि पिछले सीजन तक तो ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गए थे

उन्होंने जवाब दिया कि ये जो छह टीमें हैं इनसे एग्रीमेंट हुआ हुआ है एग्रीमेंट ये है कि दस साल तक आप कोई टीम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जाहिर है कि फिर जो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करना पड़ता है ना है तो, तो, तो इनको जाहिर कि कम मिलेगा तो ये एग्रीमेंट इस वजह से इन्होंने ये कहा है कि दो साल दस साल के बाद हम एक से दो टीम जो है ना उसका इजाफा जो है ना वो और टीमें तो इसमें बढ़ेंगी लेकिन चूंकि उस वक्त जो है ना जब पीएसएल शुरू हुई थी तो जाहिर है लड़खड़ा रही थी इतना कुछ अंदाजा नहीं था लेकिन आज जाहिर है कि पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग जो है ना वो हो गई है तो अब लोग कह रहे हैं कि टीमें इसमें बढ़नी चाहिए या उसको तो वो जो टीमें बढ़नी वो तो दस साल पूरा होंगे तो बढ़ेंगी सातवा उसके बाद तीन और उन्होंने एडिशन उसके बाद जाके जो है ना उन्होंने वो बढ़ना है अच्छा जो सवाल आपने किया ना कि इनको प्रॉफिट का इसका जवाब तो फ्रेंचाइज देंगे क्योंकि वो है। हैं। क्योंकि वो इससे उनको वो बताएंगे कि हमें कितना फायदा हो रहा है कितना, कितना नुकसान, नुकसान हो रहा है हुँ। हुँ। क्योंकि मैंने अब तक जो सुना है ना तो फ्रेंचाइज जितनी भी है वो ये कहती है कि हम जो है वो नुकसान में रहे किसी ने नहीं कहा कि हम जो है यही बात कह तो ये तो इसलिए जो ना हम रमीज राजा ने तो बात कही है लेकिन जाहिर जो, जो है ये गुजरी है या जो इससे मुतासर हुए हैं वही बताएंगे कि अगर फायदे में रहें तो बताएंगे हम फायदे में रहें फायदे नुकसान में रहें तो बताएंगे हम नुकसान में रहें तो ये जी। एक आध टीम का देखें वो पता नहीं किस तरह दस साल का एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं बढ़ाएंगे हालांकि टीमें तो जितनी आएंगी उतना ज्यादा इसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा आईपीएल में साल दो नई टीमें आ गई है वहां दस हो गई टीमें तो आप भी छह को साथ कर सकते थे फैसलाबाद ये सहलकोट की एक टीम आ सकती है लेकिन अब कैसा इनका ये हुआ है के साल तक कोई टीम ही नहीं आएगी तो दस साल तो बहुत बड़ा अरसा होता है दस साल में वो जान तो लों नहीं ये बात क्यों हुई है मुझे ना मुझे पता था इस चीज का ना मुझे समझ में आ रही है बात और प्रॉफिट वाली बात भी मेरे ख्याल है ऑन एयर करने वाली तो नहीं थी देखें पीसीबी को जो है ना अपना प्रॉफिट कम करे ना जी भाई जब आप सारे मामला सेटल कर लेते हैं ना कोर्ट में चले गए थे आपने सेटल कर लिया जी. तो यहां बिठा के इनसे ये बात भी कर लेना फ्रेंचाइज हम हम एक टीम बढ़ाने चाह रहे हैं हर साल एक एक टीम तो हम चाहेंगे बढ़े हुँ. तो जब आप बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर ना वो रहेगा उस पर कोई असर नहीं होगा तो अगर ये बात करें तो वो उनको कोई वो नहीं होगा एतराज नहीं होगा लेकिन अब क्या उनका वो है फ्रेंचाइज असल में ये जो इनमें से ना मतलब तीन चार का कुछ और वो है जो फ्रेंचाइज एक दो का कुछ और रुझान होता है ना तो जब ये छह एक, एक पेज पर आके और बात करेंगे और ये जो पीसी भी अगर बात करे तो मैं ये समझता हूँ कि सारे के सारे लोग चाहते हैं पाकिस्तान जितने भी फ्रेंच फ्रेंचाइजेज ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो क्योंकि प्रमोट शुरू में तो मैं, मैं, एक दो साल तो मैं कह सकता हूँ कि इनको वाकई और ये अभी तक ये कहते हैं कि हमें हम लॉस में है लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको प्रमोट करने के लिए हम इनके साथ जो है ना वो लगे हुए हैं बहरल अब देखते हैं कि क्या मतलब होता है क्या नहीं होता लेकिन आ, टीमें जो है वो उसका इजाफा होना चाहिए ठीक है अच्छा ये एक चीज़ ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुँ. उसका क्रेडिट देंगे जिस तरह PSL जब शुरू हुआ था तो कोविड के भी बहुत मामला थे और खासी हुँ. इसमें चीजें थी लेकिन ये मुबारकबाद देंगे कि बड़े खुशी से हो गया बहुत सुकून से हो गया ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ गई अब सीरीज भी होगी तो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर इस तरह से गए तो वो बिल्कुल उनको इसका खुशाइन चीज है और उनको इसकी मुबारकबाद भी अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके हवाले से काफी बात हो रही है लाहौर कलंदर्स एक ऐसी वाहि फ्रेंचाइज थी जिसने जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना शुरू किया इमर्जिंग टैलेंट के ऊपर बहुत काम किया बहुत ज्यादा उन्होंने जो कैंप्स भी लगाए टैलेंट के ऊपर बहुत काम किया ये दीगर फ्रेंचाइज़ेज़ जो हैं आपकी ये इनएक्टिव हैं या हाइबरनेट हैं क्या चक्कर है क्यों इधर कोई एक्टिविटी कराची किंग्स की अगर आप बात करें कोई क्रिएटिंग एक्टिविटी नहीं है माँ सेवा टी प्रोग्राम्स के और कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए तो ये हो क्या रहा है ये तो बताएं दूसरी तरफ कोयटा ग्लाडिएटर्स की अगर बात करें उनके पास भी को, कोई टीम के अंदर कोई ऐसा तब्दीली नहीं हुई वही रिसोर्सेज हैं उनके अभी तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं है क्रिकेटिंग एक्टिविटी और क्रिकेट को बेनिफिट करना ये सारा तो एग्रीमेंट के अंदर शामिल है कि आपने जो भी प्लान करना है वो एंड ऑफ द डे आपको फायदा पहुंचाएगा आपके क्रिकेट को उससे फायदा होगा लेकिन यहाँ तो वो चीज नजर नहीं आ रही इसके लिए देखिए लाहौर खलंद की तो बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी उनका तो फ्लेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत अरसे और उनके तीन खिलाड़ी बिग बैश लीग भी खेल चुके हैं तो ये उनको क्रेडिट जाता है और भी बिग बैश की वजह से ही सामने आए थे। वो फाइट करके हाँ। उसको नाम हाँ। कर भेजा टीम गया तो टीम हमें नज़र आती है ना पिशा के नज़र आती है वो भी अपने तौर से सरहद में और उधर के पी के में टैलेंट ढूंढ रहे नहीं वो ढूंढ रहे हैं उनकी भी टैलेंट ढूंढ रहे और लाहौर खैर इसमें बहुत आगे लेकिन बाकी फ्रेंचाइजेज नहीं है आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको ग्रूमिंग करनी है तो जब आप फ्रेंचाइज हैं और आपको इतना लोग जानते हैं तो आपको भी इस तरह से टैलेंट आना चाहिए और आपको बड़े फखर से बताना चाहिए कि हमारा ग्रूम है हम इन टैलेंट को सामने लाए हैं तो अभी तक तो मुझे सबसे टॉप पर लाहौर नजर आती है उसके बाद पेशावर नजर आती है दो ऐसी हैं कि जो टैलेंट तलाश कर रही है पेशावर दर्मी की जावेद आफ्रदी साहब सवाल और इधर दीगर इलाक़ों में टैलेंट तलाश करते रहते हैं मुख्तु टूर्नामेंट होते रहते हैं उनके भी जिसकी खबरें हमें मिलती रहती हैं और लाहौर का तो हम सबको पता है कि इनका तो इमरजिंग है।, है और बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन दीगर फ्रेंच में नहीं है बहुत अच्छा पॉइंट है आपका आई थिंक उनको भी बड़ा सीरियसली इसको सोचना चाहिए क्रिकेट की तरक्की के लिए और शहरों के क्रिकेट के गाँव देहातों से जो टैलेंट मिलता है ना आपको वो बड़ा जरूरी है देहातों से देखिए अब आप देखेंगे के हमें केपी के से कितना टैलेंट मिल रहा है जो टैलेंट आपको नजर आता है केपीके के नजर आता है जमान खान था था। से है, है। या जमान खान तो चले कश्मीर के हैं लेकिन नहीं। नहीं। और मोहम्मद हारिस हमें मिले ये जितने और प्लेयर हमें मिल रहे हैं ज्यादातर वहीं से आ रहे हैं मुझे लगता है एक वक्त ऐसा आएगा सात आठ प्लेयर आपके सिर्फ के पी से होंगे पंजाब से होते थे नॉर्मली लेकिन अब वो चीज वहाँ ज्यादा डेवलप हो रही है तो जरूरत है कि रिसोर्सेज को ढूंढने आप लेके आए और चीजें काम किया जाता की 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 दुण, दुण की है है। काम करने की ज़रूरत exactly जी। इसके ऊपर अभी गुफ्तु जारी रहेगी आज का जो विनिंग मोमेंट है वो आपको दिखाएंगे और ये विनिंग मोमेंट आपके लिए लाइक अटबरी से दिखाई जी ये जी आज का अपनिंग मूवमेंट था और ये फाइनल अपमेंट पी एस एल एडिशन सेवन का और फाइनली लाहौर ने जो है ये बिलाखिर पी एस एल जीतने में लाहौर की टीम जो है वो कामयाब हुई जनाब अब आखिर में ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाए कि आपको अब एक चीज़ और मेक श्योर करनी पड़ेगी कि इसके अंदर बड़े नामों को आपको लाना पड़ेगा जैसे तैसे खिलाड़ी आपने इसमें शामिल किए लेकर आए आप और बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको लोग शायद नहीं जानते थे अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जब आपने इतना बड़ा ब्रांड इसको बनाना है उसके लिए पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि आपको टीम्स में इजाफा करना था दूसरी कोशिश ये कि इसको मुक्तलिफ पे पाकिस्तान में ये एक आपका टास्क होना चाहिए और तीसरा ये बड़े नाम लेवल पे भी पी एस एल करता है क्या कहेंगे मैं भी आता हूँ आपके सवाल की तरफ जी जो भी मुनीर भाई बात कर रहे थे ना के पी के हवाले से या लाहौर कलंदर के हवाले से थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ देखिए लाहौर कलंदर तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो तो सबको नजर आ रहा है ना और सब बड़ा सब मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है ना चार साल तो कारकरदगी बहुत खराब रही जी, उनकी जी। लेकिन वो जो है ना इस्तेकाम के साथ लगे रहे अच्छा उसके बाद पांचवे साल उन्होंने फाइनल खेला और वो हार गए कराची से ठीक है ना अब सातवें साल उन्होंने जो है ना वो टाइटल भी मतलब जीत लिया तो इससे मतलब ये है कि वो जिस अंदाज में उन्होंने वहां पर लाखों बच्चों के ट्रायल लिए एकेडमी बनाई ये किया और मतलब इंटरनेशनल लेवल की उन्होंने वो बनाई है है पर एकेडमी मतलब जाहिर जो प्लेयर वहां जाए और वहां जाके है ना ये जो न, ये जो पीसीबी ने बनाई है अपनी जगह पर उन्होंने अलग बनाई और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है केपी के जो है ना के पी के अंदर जो इस वक्त क्रिकेट का जो फरोग है वो इस कदर ज्यादा है कि आप हैरान होंगे कि काज ट्रॉफी के चैंपियन जो है ना के पी के पाकिस्तान कप वनडे जो है उसके चैंपियन के पी के नेशनल टी ट्वेंटी के चैंपियन के पी के जितने टाइटल सब के पास है तो इससे आप सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर जो जावेद आफरीदी या उनकी जो टीम है या ये जो है ये किस कितना काम कर रहे हैं ये है। अलग बात है शायद उसकी इतनी तस्हर नहीं हो रही वो अलग बात है लेकिन जो काम है देखें जो जो नतज है ना वो बता रहे हैं कि आपने क्या मतलब जो जो हर टाइटल का जीत लेना या सारी चीजें वो कर लेना तो इससे वहां पर काम हो रहा है और वहां पर भी, भी काम हो रहा है अच्छा जो 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 हमारी जो वो है 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 मैंने मुझे याद है कि आज से तीन चार साल पहले क्या है, कहते हैं जब राशिद लतीफ साहब मुंसलिक थे ना क्या कहते हैं कराची किंग के साथ तो उन्होंने यहाँ पर नया ना, नाजामबाद के अंदर एक टूर्नामेंट कराया था हमारे शहजादे उस नाम से और वो टूर्नामेंट से ही ये धानी और बहुत सारे लड़के जो है ना मंजर याम पर आए थे और वो पूरे मतलब सिंध के उन्होंने मतलब सिंध से भी जाकर ट्रायल लिए थे और सिंध के तो वो जब यहाँ थे तो वो काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। जब काम कर रहे थे तो प्लेयर आ रहे थे और वो इन्हें एक अच्छे खासे तीस पैंतीस जो है ना यंगस्टर जो है ना वो उसमें नजर आए थे, नजर थे लेकिन उसके बाद फिर शायद क्या उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया या उन्होंने छो, मतलब छोड़ दिया कराची किंग को उसके बाद से इस तरह की कोई चीज जो ना आई नहीं है आई नहीं, और जाहिर है कि अब वो जो जो लोग भी उसको देख रहे हैं वो इसी तरह जो दूसरी फ्रंट देखिए हर इलाके में इस पर जब काम होगा ना इस तरह काम होगा देखिए टैलेंट यह ना एक या दो साल में नहीं आएगा तीन साल में, ही, में ही नहीं ही आएगा टैलेंट को आपको जो है हंड करके और जब जब आप उसको उस पर काम करेंगे तो टैलेंट में आपको चार साल भी लग सकते हैं पांच साल भी लग सकते हैं क्योंकि अगर आप पंद्रह सोलह साल के सत्रह साल के लड़के पे काम करेंगे तो बीस इक्कीस बाईस साल में जाके ना अब जैसे

हमें जो है ना रमीज राजा साहब ने भी एक का सुन रहा था इंटरव्यू उसमें वो कह रहे थे कि कि हम चाहते हैं जो है ना फ्रेंचाइज जो है वो मतलब टॉप के प्लेयर जो है देखिए टॉप के प्लेयर लाने के लिए आपको जो है ना इनामी रकम और ये सारे जो जो पैसे हैं ये बढ़ाना पड़ेगा पड़ेंगे। दो ढाई तीन करोड़ के और अगर कहीं पे पंद्रह या बीस करोड़ है तो बड़ा फर्क होता है बहुत फर्क है तो वो टॉप अभी आपके अगर आप देखते हैं गौर करें ना तो मतलब पांच छह तो प्लेयर आपके तो मतलब तो पंद्रह तो भी तो भी आप आपको जो ना ये जरूरी है कि आप अगर को, कोई, कोई प्लेयर अगर आता है ना कम से कम यहाँ पर पांच छह सात लाख करोड़ रुपए तो हो ना ताकि वो प्लेयर आए तो मतलब टॉप के अगर किसी प्लेयर को हर हर प्लेयर जो है ना मतलब वो इस तरह नहीं होता कि वो आए और मतलब जैसे अब जैसन रॉय आके खेल के चले गए या एलेक्स हेल्स हैं या अभी जो जेनी जिस जिनको शोहरत दी है टीम डेविड वो, वो पीएसएल ने दी है तो पीएसएल है ये मतलब इस तरह के जो चंद एक जो प्लेयर हैं या मनरो क्योंकि अब वो तो न्यूजीलैंड की टीम में नहीं जो जो टीम के, के अंदर हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है मेरे हिसाब से जो जो जैसे वो खेल लेते अभी क्या कहते हैं स्टर्लिंग खेलें, जी। पॉल स्टर्लिंग खेलें, इस तरह के जो अगर वो होते हैं प्लेयर आते हैं या एल, ये जो जैसन रॉय है जेम्स विंस है इस टाइप के जो प्लेयर है ना वो उनकी तादाद अगर आप ले रहे हैं ओवरसीज प्ले, प्लेयर हाँ, आपके प्लेयर आपके पास इंग्लिश में से तो आखिरी आपको अब जैसे पी एस एल बहुत कामयाब रहा है तो नेक्स्ट ईयर यकीनी तौर से नामी रकम बढ़ानी पड़ेगी मिनिमम पांच करोड़ तो करनी पड़ेगी वरना फिर वो इसी तरह आपको होगा लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि कम ट्रेंड के साथ भी वही मजा आया और वही चीज हुई तो, तो एक जो चीज अमिदाई साहब की सबसे अच्छी थी उन्होंने डेढ़ लाख रुपए जो सैलरी डोमेस्टिक क्रिकेट की बढ़ाई डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की उससे बड़ा फर्क पड़ा है उससे कहता है जब घर का खर्चा चलेगा तो प्लेयर और ज्यादा दिलजमी से खेलेगा तो जरूरत यही है कि एक तो इस पी बहुत अच्छा रहा कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें वो क्रेडिट जाता है पीसीबी को लेकिन अगले साल इनामी रकम को भी देखना होगा फ्रेंचाइजेस को अगर प्रॉफिट मिला है तो उन्हें अच्छी टीम तश्किल देनी पड़ेगी टैलेंट तलाश करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आखिर में जाते जाते मुल्तान को भी मुबारक बहुत अच्छा खेले लेकिन लाहौर को स्पेशली मुबारक पहली मरतबा चैंपियन बनी नए कप्तान ने उनको चैंपियन बनवा दिया शाहिना अफरीदी को बहुत मुबारक उनकी मैनेजमेंट को बहुत मुबारक और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुबारक इतना अच्छा तो कामयाब बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर मुनिरक साहब थैंक यू सो वेरी मच जमील अहमद साहब थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का कि थ्रू आउट ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहे आपने हमारा साथ दिया और यकीन बड़ी खुलकर बात की और साफ बात की और सुनने वालों ने इसको सराहा भी फीडबैक भी दिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का मजार अवान साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो इस हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा है क्योंकि आज वो मौजूद नहीं है लेकिन ये हमारी पूरी टीम थी जो आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई ये आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम था जी और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात आगे भी होती रहेगी यहाँ पर क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है तो आप इजाज़त आपसे लेनी होगी लेकिन जाने से पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ज़मीन डॉट काम उनका मैसेज आपको देता चलूँ जमीन डॉट काम एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बहुत आसान हो गई है इसको जाकर जरूर देखिए वेबसाइट को हर माह तकरीबन पचपन लाख के करीब इसको लोग विज़िट कर रहे हैं तो एक बड़ी आसानी से ज़रूर फ़ायदा उठाइए हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज और इसके साथ साथ जो जो दीगर हमारे स्पॉन्सर्स है जिसमें कोक डेरी मिल्क और इस तरह और दिगर बहुत सारे मेरे पास नाम इस वक्त नहीं है बहुत सारों के तो जितने भी हमारे स्पॉन्चर से रू अफजा ये सब शामिल हैं उन सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ तान किया जिनकी वजह से ये हमारे लिए मुमकिन हुआ कि ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए मोहम्मद यासर को और हमारी पूरी टीम को दी थी इजाजत आलाने के बाद